सफ़र को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना। सफ़र को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना। जो देखती हैं निगाहें वही नहीं सब कुछ, ये एहतियात भी अपने बयान में रखना। चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा है, चमकते चांद सितारों का क्या भरोसा है। जमीन की धूल भी अपनी उड़ान में रखना। सवाल तो बिना मेहनत के हल नहीं होते। बिल्कुल, सवाल तो बिना मेहनत के हल नहीं होते। नसीब को भी मगर इम्तहान में रखना। तो निदा फाजली साहब के इस कलाम के ज़रिए ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि अगर होप है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है और थोड़ा सा गुड लक है, तो कोई आपको आपकी मंजिल पाने से रोक नहीं सकता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनीसा, मेरा नाम है अनामिका, धरती धोरारी में आपका ढेर सारा इस्तकबाल। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा, मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। और बहुत खूब कहा अनामिका ने कि मेहनत अगर हम करेंगे तो हमें अपनी मंजिलों को पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सक्सेस होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। Right. और मेहनत किए बिना हम सक्सेस को पा भी नहीं सकते। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना रही हो, अपनी मेहनत के बल पर हर परिस्थिति का सामना किया और आज समाज के सामने एक मिसाल की तरह खड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं जयपुर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हरिराम महरिया जी का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धोरारी में। और अनामिका, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो यकीनन बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बिल्कुल, और बहुत सारी जानकारी भी लेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताएं कैसा लग रहा है दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर, खास तौर से धरती धोरारी प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दूरदर्शन राजस्थान में अक्सर देखता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ सुबह कहीं, इसके प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और मैं यहाँ पर 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ का जो कल्चर है, सब का नेचर है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। प्रज्ञा सर की जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है, तो इससे पहले कि आपकी जिंदगी के सफर के बारे में बात करें, दर्शकों को बताएं, एज अ लेमैन, एज अ कॉमनर, अगर मैं जानना चाहूं कि एक कार्डियक सर्जन से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, क्या होता है आपके फील्ड में? हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब कि कुछ प्रोसीजर मरीज पर करके उसकी बीमारी को दूर करना है। जैसे इस ब्रांच से पहले क्या होता था, कार्डियोलॉजिस्ट थे उसको दवाइयों से या मरीज को भर्ती करके ही ठीक करते थे, हमारे पास ऑप्शन भी यही थे। तो ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का रोल अभी आया है इन्हीं पिछले 2-3 दशकों से। तो इसमें हम जैसे मरीज का निदान भी करते हैं, वो एडमिट करके एक प्रोसीजर करके जिसको अपन एंजियोग्राफी बोलते हैं, जी उसके द्वारा पता लगाते हैं और इससे एकदम क्लियर कट पता लग जाता है कि हाँ इस नाड़ी में इतना ब्लॉकेज है। उसके बाद हम उस नाड़ी को तार के द्वारा या स्टेंट के द्वारा खोलते हैं जिसको अपन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर करने के बाद मरीज़ की नाड़ी खुल जाती है, उसको रिलीफ मिल जाता है, जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जो पहले की सिर्फ दवाइयों की बजाय इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हैं। जैसे सिर्फ अपन दवाइयों से खोलते हैं कोई नाड़ी तो उसकी सफलता हमें 50-60% केसेस में मिलती थी जी। अभी इस विधि के द्वारा, इंटरवेंशनल के द्वारा, यही सफलता की दर हमारी 95% to 98% तक चली गई है और मरीज को रैपिड रिलीफ मिल जाता है। तो ये करके हमें मतलब बहुत खुशी भी मिलती है। जी बिल्कुल। सर इस बारे में और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे। आपको एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम सब जानते हैं, जयपुर जानता है, पूरी दुनिया जानती होगी, लेकिन अगर बचपन की हम बात करें कि डॉक्टर साहब बचपन में कैसे थे, क्योंकि बचपन जो होता है अनामिका बड़ा खूबसूरत होता है, चुलबुला भी होता है और ऐसी यादें बचपन की हो जाती हैं कि ताउम्र हमारे जहन में भी रहती हैं। तो अगर आपके बचपन की हम बात करें तो कहाँ आप जन्मे, कहाँ पले बड़े? मेरा जन्म हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, रातूसर जिसका नाम है। वो बहुत छोटा गांव है, अभी भी बहुत छोटा गांव है, और लेकिन उस समय भी वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे लाइट या पानी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ थी। और बचपन में मैं वैसे देखा जाए बहुत ही शरारती नहीं था, मतलब सीधा अच्छा, था अच्छा। तो बहुत ज़्यादा घटनाएं तो नहीं, मतलब मुझे भी याद नहीं है कि करी होगी, बट एक दो घटनाएं मैं मतलब बता सकता हूँ जो मुझे याद है एकदम। एक बार जैसे मैं ननियाल गया हुआ था, मेरा ननियाल मेरे गांव के पास में ही है, 3 किलोमीटर का ही गैप है। अच्छा। तो अक्सर आना जाना मदर के साथ रहता था, पर मेरा कभी वहाँ मन नहीं लगता था। जैसे सुबह गए और 2 घंटे बाद वापस कोई साथ में आए तो साथ में आ जाता था पैदल भी। तो एक बार
गांव में जैसे घरों की जो दीवार पक्की नहीं होती थी, वो केवल बाड़ जिसको बोलते हैं कांटे वाली उसकी होती है। तो एक बार सुबह सुबह चार पांच घरों में मामा जी भी थे और अड़ोस पड़ोस के थे, वो बातें कर रहे थे कि उसमें एक मामा जी जो लगते हैं वो बता रहे थे कि मेरे को दो तीन दिन से बुखार है, खांसी है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो जैसे बच्चे देख के सीखते हैं, मतलब मैंने भी कहीं मतलब देख रखा होगा कि किसी को बीमारी होती है, बुखार होती है, तो इंजेक्शन लगता है। पहले इंजेक्शन ही लगते थे गांव में, बिल्कुल डॉक्टर को बुला लेते थे घर पे, वो बच्चों के इंजेक्शन लगा देता, तो ये जहन में बैठा हुआ था डॉक्टर मतलब इंजेक्शन। हाँ, फिर मैंने पास की जो बाड़ है वहां से एक कांटा लिया, अच्छा बड़ा सा, ओके जैसे नीडल सुई होती है ना, हाँ जी, वैसा जी। वो एक छड़ी के आगे लगाया, कैसे फिट किया मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे फिट हुआ वो कांटा। और मैंने वो लेके उन जो बता रहे थे मामा जी, जी। उनके पीठ पे जाके इंजेक्शन की तरह चुभो दिया कांटे को, कांटे को। वाह, वाह। अचानक चिल्लाए वो कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मेरे मुंह से वही निकला कि मैं डॉक्टर हूँ और आपको इंजेक्शन लगाया है। वो मामा जी जब भी मिलते हैं, अभी तो वो 70 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो हमेशा मेरी मदर को या मेरे को जब भी मिलते हैं कि भी तुमने जो इंजेक्शन वो बचपन में लगाया था उसके बाद मैं आज तक बीमार नहीं हुआ। वाह। और उसके बाद हमेशा वो ये कहते रहते कि तू मतलब डॉक्टर बनेगा। तो ये बार बार उनका कहना और ये शायद सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया जी। तो वो मुझे इस घटना से शायद एक जन्म हुआ अंदर से कि डॉक्टर बनने का। और वैसे भी जैसे बचपन में थे या कभी बीमार होते थे, पास में तहसील में डॉक्टर साहब के पास ले जाते थे, तो उनका वो देख के कि वो मरीज लाइन में लगे हुए हैं, वो आराम से सबको देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनका एप्रन पहना हुआ है, तो वो एक मन पे छाप छोड़ देता है कि डॉक्टर बनने की इच्छा को। एक और घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, वो हमारे गाँव में भी जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, गाँव में छुट्टियाँ होती है, सब बच्चे आ जाते हैं, कोई ननियाल से भी आ जाते हैं, बुआ के लड़के भी आ जाते हैं, मामा के लड़के भी आ जाते हैं, तो 10-12 लड़के हो जाते हैं। तो हम दिन में दोपहर में घर वाले सो जाते हैं, बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं, शरारते करते रहते हैं छोटी मोटी। तो एक बार एक हमारे घर के कमरा जिसमें बहुत कम जाना होता था, वैसे ही स्टोर टाइप का बना हुआ था, पुराना सामान रखा हुआ था मान लो, तो वहाँ कुछ मेडिसिन पड़ी थी, अच्छा। दवाइयाँ पड़ी थी, अब किस काम की थी मुझे पता नहीं है जी। तो हमने एक प्ले किया बच्चों ने, प्ले में एक बच्चा अपना माता मतलब मदर, एक उसका बेटा बना, इसी तरह मैं उस प्ले में डॉक्टर बना था। अच्छा। तो ये घटना उसके 2-3 साल बाद की है। अच्छा। तो शायद वो तो उसमें हमने प्ले में उस जो बच्चा बना था उसको कुछ गोलियां भी खिला दी थी। अच्छा। उसके बाद उसको उल्टियां हुई, तब जाके घर वालों को पता लगा कि ये बच्चों ने ये कांड कर दिया है। उसके बाद वो उसको दवाइयाँ वगैरह बच्चों की पहुंच से दूर रखी। तो ऐसे बचपन मतलब बहुत ज्यादा शरारती तो नहीं था, बट बीच बीच में कुछ साथ वालों के साथ मिलके छोटी मोटी शरारतें कर लिया। और यही शायद वो यादें होती हैं जो अभी भी जब आती है याद तो गुदगुदा देती है, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। सर, आप जिस जहां जहां से आए हैं, हनुमानगढ़ का आपने जिक्र किया है, वो कृषि प्रधान जिला है, वहां पर हम देखते हैं पिक्चरों में ही देखा है कि किसान खेती कर रहा है और नदी नहर बह रही है और उनकी वाइफ खाना लेके आ रही है और बहुत खूबसूरत सा वो माहौल रहता था। तो क्या कुछ ऐसी यादें हैं जहन में, क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ, कुछ ऐसा देखा वहां पर, क्या कुछ यादें हैं? हमारा बचपन गांव में बीता है और हमारा जो मेरे फादर हैं वो भी कृषक हैं। अच्छा। तो बचपन में हम जैसे स्कूल के बाद अक्सर खेतों में जाया करते थे और हमारा ये रूटीन होता था, खेत में जाना ही है, मतलब बड़ों का जो भी हाथ बटाने काम में जितना हो सके, और नहीं तो पानी लाना, चाय लाना, ले जाना, किसी को भोजन देना, मतलब ये काम हम करते थे। और हमारे एरिया में उस समय नदी हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन हमारा जो एरिया है पर्टिकुलर गांव है उसके आसपास में उस समय पानी लगने की व्यवस्था नहीं थी। केवल हम जो बरसात के पानी पे डिपेंडेंट होते थे और वहाँ उस समय बरसात भी टाइम पे हो जाया करती थी और फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी जी। तो हम भी जैसे हमारे फैमिली बड़ी है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, और सुबह सुबह मुझे ध्यान है कि कई बार जो गर्मियों की छुट्टियां या जो भी है उसमें हमारे ट्रैक्टर हुआ करता था जी, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली हुआ करती थी, उसमें बैठ के और 15-20 मे बी 20-25 लोग एक साथ जाया करते थे खेत में, घर वालों के अलावा दूसरे जो कई बार लेबर भी होते थे उनमें बहुत सारे, और हम भी बच्चे बच्चे तो उनको तो गेम लगता था ये, तो हम भी जाया करते थे साथ में। वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा माहौल होता था खेत में, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक करते करते फसल की कटाई कर रहे हैं, और जो वो माहौल था बहुत अच्छा था। और वहाँ पे
जैसे फसल कटाई के बीच में थोड़ा सा गैप लेना होता था तो उसमें सब लोग इकट्ठे होकर हंसी मजाक करते हैं, मतलब सब लोग, और उस समय बीच में जैसे खाना जो घर से लेके, मतलब जनरली औरतें खाना पैक करके लाती हैं, तो उस समय जो खाना टिफिन तो हुआ नहीं करते थे जी, तो आजकल तो टिफिन वगैरह आ गए, उस समय सिंपल कटोरी में जैसे सब्जियां डाली, प्याज डाले, इस तरह की चीजें, और रोटियों को पैक करते थे कपड़े में, तो एक ट्रेडिशनल जो था वो बहुत अच्छा था जी। उस खाने की लज्जत भी कुछ और ही हुआ करती थी, उस समय बहुत मजे आते थे हम घर पे, तो खाओ नहीं खाओ लेकिन वहाँ खेत में जरूर खाते थे सबके साथ बैठ के, तो बहुत खूबसूरत माहौल रहा। तो दर्शक जो अभी जुड़े हैं प्रज्ञा, उनको बता देते हैं हमारे साथ आज शो में हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर हरिराम महारिया, आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रज्ञा, एक बहुत अच्छी बात है सर के बारे में, वो ये है कि आप अपने गाँव में ही नहीं, अपने परिवार में, इनफैक्ट आसपास के 3-4 गाँव में भी डॉक्टर बनने वाले पहले व्यक्ति रहे, तो परिवार का माहौल कैसा था? आपने कहा आपके डैड जो थे, आपके फादर, वो फार्मर थे, कृषि से जुड़े हुए थे, तो सपोर्ट कैसा रहा पेरेंट्स का? क्या पेरेंट्स को समझ में आया कि मेरा बेटा आगे चल के डॉक्टर बनेगा, या टीचर्स का उसमें रोल था, क्या था उस समय? बचपन में जैसे 5th क्लास तक गाँव में थे और उस समय तो ऐसा माहौल नहीं था डॉक्टर बनने का, कोई सोचता नहीं था, हालांकि मेरे फादर कृषक हैं, बट मेरे अंकल वगैरह टीचर हैं, दो अंकल टीचर हैं, अच्छा। और मेरे बड़े भाई हैं दो, वो भी पढ़े हुए हैं, तो वैसे मेरी फैमिली शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि, बट डॉक्टर बनने का उस समय गांव में किसी ने सोचा भी नहीं था जी। और लेकिन पढ़ाई हमारी कंटिन्यू रखवाई घर वालों का, पढ़ाई जैसे 5th तक तो हमारा गाँव में स्कूल था, तो उस तो जाना ही था, उसके बाद तहसील में आए नोहर, उसमें वहाँ पे आगे पढ़ाई जारी रखी, कभी घर वालों ने ये कहा नहीं कि आप पढ़ाई को छोड़ के खेत में जाओ या ये काम करो, उनका ये सपोर्ट हमेशा रहा है कि आप पढ़ाई करो। उस समय डॉक्टर का तो नहीं था, पर ये था कि सरकारी नौकरी के लिए गांव में विशेष वो चलन था, मतलब प्राइवेट अवेयरनेस थी, हाँ, सरकारी नौकरी को जानते थे कि भी पटवारी बन जाओ, टीचर बन जाओ, उस सोच के साथ वो शायद आगे पढ़ाई घर वाले भी करवाना चाहते थे, और हमारे दिमाग में भी कुछ सोच थी नहीं, वैसे तो कुछ समझ इतनी नहीं होती थी कि भी क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी एडवांस होने लगे, उनको सब पता चल गया कि क्या क्या, उस समय लिमिटेड चीज़ें थी। तो फिर आगे नॉर्थ तहसील में जाके हमारी स्कूलिंग 6th क्लास से 12th तक वहीं हुई जी। उस दौरान भी ऐसे डॉक्टर बनने का भी कभी दिमाग में आया भी नहीं। पढ़ने में आप शार्प थे या मेहनती थे? पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कह सकता, और एवरेज स्टूडेंट था, पर मेहनत करते थे, पर हाँ मेहनत वाला जो जो गुण था वो शायद था, और वो घर वालों की देन थी, शायद घर वाले किसी किसी रूप में आपको सिखाते ही हैं, जैसे बचपन में मैंने कहा कि आपको खेत में हमें ले जाते थे, तो वो भी एक मेहनत करवाना वो या मेहनती बनाना एक उसमें बहुत ज़्यादा रोल था, हालांकि बच कई बार लगता है हमें कि माता पिता अपन को ऐसी करते हैं, बट वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें, और वो संस्कार डेवलप हो जाता है मेहनत का। और बचपन में मेरा एक दोस्त अभी भी है गांव में, गांव का ही है, तो वो भी उससे देख के भी मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और मेहनती था जी। तो उसके साथ मेरे, मैं पक्का दोस्त था, उसके साथ ही रहता था, तो उसके उसका हाँ। भी मेरे पर प्रभाव पड़ा है ये मेहनत होने का। सर और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके एक मित्र का फोन है, उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका धरती धौरारी में, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, सुरेंद्र बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सर जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में, और आज आपके मित्र हमारे सामने बैठे हुए हैं धरती धौरारी के मंच पर, तो जो कुछ कहना चाहे आज अपने मित्र से कह सकते हैं। हेलो हेलो जी, आज आपके मित्र बैठे हैं हमारे सामने धरती धौरारी के मंच पर, तो अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। हेलो सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अगर आपको आवाज मिल रही है तो कृपया बताएं, आपके फ्रेंड हमारे सामने बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक फोन डिसकनेक्ट हो गया है सर, तो बैक टू द कॉन्वर्सेशन, आप मित्रों से, अपने मित्र से बहुत इंस्पायर्ड थे, लेकिन आपके एक टीचर भी थे शायद स्कूल में, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि ये लड़का डॉक्टर बन सकता है। जैसे कि हमारे आगे की स्कूलिंग तहसील में हुई 6th से 12th तक, 10th में नंबर अच्छे थे, तो टीचर ने सजेस्ट किया था कि इसको आप साइंस दिलवाओ, बायोलॉजी दिलवाओ, तो मैंने बायोलॉजी ले ली, आगे 11th और 12th में, मतलब वही मेहनत तो करता ही था उस समय, पढ़ने में लगन थी, बाकी चीज़ों में ज़्यादा थी नहीं, गेम्स में या कोई
इधर उधर मस्ती करने में ज्यादा नहीं था, मतलब घर वालों ने जो काम किया वो बोला वो कर दिया, बाकी पढ़ने में रहता था मतलब। और जैसे 12th क्लास में भी नंबर ठीक थे तो फिर घर वालों को टीचर्स ने बुलाया कि भी आगे का क्या करें, डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, उस समय PMT के एग्जाम्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे कि भी एक डॉक्टर बनने वाला जो रास्ता, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको तैयारी करवाओ और PMT का एग्जाम दिलवाओ तो ठीक है, ये लड़का कर लेगा, मेहनती है। उन टीचर्स को ये विश्वास था कि ये मेहनती है, ये कर लेगा। तो फिर मैंने उस समय तो मैं एग्जाम PMT का नहीं दे पाया क्योंकि उसमें एज छोटी थी 12th करते ही। फिर मैं एक साल के लिए कोचिंग संस्थान कोटा में चला गया, वहाँ पे रहा, वहाँ भी तैयारी करी पूरी मेहनत और लगन से। वहाँ शुरुआत में तो मन नहीं मतलब लगता नहीं है क्योंकि आप 12th क्लास तक होते हैं, घर में रहते हैं, घर का खाना, घर वाले चारों तरफ, कभी आपके दिमाग में नहीं आता कुछ भी। वहाँ जाते ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक तो शहर में जाना, बड़े शहर में जाना, वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, आपको कोई नहीं जानता, खाना भी आपको अरेंज करना, कपड़े वपड़े धोने सब आपको अरेंज करना, उसके बीच में पढ़ाई भी करनी, और दूसरी बात मन नहीं लगता जाते जाते। मेरा भी शुरू में एक महीने तक बिल्कुल मन नहीं लगा था। अच्छा। मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरा जो 11th 12th का दोस्त था वो साथ में था, वहीं का ही नोर का ही, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे वो काफ़ी उसने सपोर्ट किया जी। उसको इतनी याद नहीं आती थी घर की, वो थोड़ा मेरे से ज़्यादा बोल्ड था, यूं मानता प्रैक्टिकल था जी। लेकिन उसने बहुत विश्वास दिलाया उस एक महीने के पीरियड में, नहीं अगर वो दिलवाता तो शायद मैं लौट के घर आ जाता, तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत मुश्किल फेज थी वो। बिल्कुल मन नहीं लगता था, कोचिंग में गए उतनी देर तो ठीक है, क्लास में भी मन नहीं लगता था, तो पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं गया, और घर आने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था हमेशा। उस समय मोबाइल भी होते नहीं थे, घर पे फोन पे इतनी बार बार नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उस PCO में जाना, वहाँ पे लाइन लगा के खड़े होना, फिर बात करना, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं हो पाती थी, इसलिए हमेशा। तो वो एक महीना गुजर गया, उसके बाद धीरे धीरे खुद को ही समझ में आ गई कि यहाँ अपन किस पर्पज से आए हैं, वो पर्पज पर ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें ऐसी होती रहेगी। तो फिर मैं रेगुलर स्टडीज में, कोचिंग में वो पूरा मन लगा के पढ़ाई करने लग गया कि बाकी चीज़ें मैंने एक तरफ रख दी कि अब जिस पर्पज़ के लिए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो वही करनी है। तो फिर रेगुलर कोचिंग जाना, कोचिंग में भी मन लगा कि पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, आके उनको रिवाइज करना, हम दोनों डिस्कस करते थे काफ़ी, मतलब उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और वहाँ पे 15 दिन में एक बार टेस्ट होता था, तो शुरुआत के टेस्ट में तो हमारी रैंक बहुत पीछे थी, हमें लगा कि हम कहाँ पर हैं। बाद में धीरे धीरे अच्छी बात ये रही कि कंटिन्यूस स्टडी से और मन लगा कि स्टडी से एक फोकस्ड ध्यान रखा मैंने कि भी आगे अपन जो पर्पस के लिए हैं वही करते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ते हैं। सर, जब PMT क्रैक किया, PMT क्रैक करके जब मेडिकल कॉलेज में आना हुआ, दाखिला हुआ, तो वहाँ का माहौल कैसा रहा? क्योंकि बिल्कुल माहौल चेंज होता है, किताबें आपको एग्जाम पास कराती है लेकिन धरातल पर जब हम आते हैं तो कुछ रियलिटी अलग ही होती है। वहाँ पर आपको डिसेक्शन भी करने होते हैं, वहाँ पर आपको लाइव ऑपरेशन भी देखने होते हैं, बहुत अलग माहौल होता है। तो वहाँ आकर क्या मानसिकता रही, क्या आपकी सोच रही और किस तरह से उस चीज़ को आपने हैंडल किया? वहाँ पे जैसे मेरा PMT में सिलेक्शन हो गया और मुझे कॉलेज उदयपुर मिला था, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, तो एक शहर वाली जो फियर था वो तो डर हो गया था कोटा में रहने से जी। दोस्त बनाने की जो टेक्निक है वो भी आ गई थी। अच्छा, और वो टेक्निक होती है। तो फिर दूसरी बात, वहाँ पे दूसरा एक खुशी भी थी कि भी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो इसलिए दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी जब एडमिशन लिया था। लेकिन जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं हम, एक कॉलेज की लाइफ होती है तो एक नई स्टार्ट होती है लाइफ का, एक नया पार्ट, और तो खुशी भी थी और फ्रीडम भी थी और नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी और नए नए दोस्त बन रहे थे। हमारा 100 का बैच हुआ करता था और उसमें एक फ्रेंड मेरा जो उस समय से हम बने कॉलेज लाइफ से, वो आज भी पक्के फ्रेंड हैं हम, तो वो भी साथ में रहते थे, वो भी नौर के ही हैं। तो शुरुआत में वहाँ पे कॉलेज में एक प्रो रैगिंग चला करती थी, बिल्कुल, हालांकि हमारे बैच तक आते आते रैगिंग बहुत कम हो गई थी क्योंकि उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे वही बचे थे, रैगिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट की इंट्रोडक्शन करना, सीनियर को हमें याद रखना पड़ता था, सीनियर ये कौन से सीनियर, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से जी। तो ये वो एक लर्निंग फेज थी, ये भी
कि कैसे आप पार्ट को सीखते हैं, नई नई चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं सामने वाले से, वो एक सिखाने वाला पर्पस था सीनियर्स का, वो भी बहुत कोऑपरेटिव था जी, बिल्कुल। फिर कॉलेज में क्लासेस लगने लगी, क्लासेस में जैसे आपने बताया कि डिसेक्शन होता है, तो डेफिनेटली एक डर लगता है, बिल्कुल, जिसने कभी कोई हिंसा भी नहीं देखी या मैंने कभी कोई लड़ाई भी नहीं करी हुई थी, सही बताऊं सिर्फ कांटा चुभ होया था, कांटा चुभ होया था तो वो जब देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है और एक भी नहीं, पूरा डिसेक्शन पूरा होल होता है बड़ा, उसमें चार पांच डेड बॉडी होती है, तो वो देख के थोड़ा डर लगता था शुरू में, और कई बार रात में वो सीन याद आ जाता तो वो डर लगता था कि अकेले जाने में। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि वो जो डिसेक्शन होता है वो पूरे एक साल तक चलता है, अच्छा, वो पार्ट्स में होता है, जैसे शुरुआत में हाथ, कुछ हाथ का पार्ट हुआ, फिर लेग्स का, वो एक पार्ट्स में होते हैं, वो लर्निंग के हिसाब से स्लो स्लो, उसके बाद तो एडजस्ट हो गए, उसके बाद कभी डर नहीं लगा जी, क्या बात। उसके बाद तो देखो हमारे जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसमें पूरा शरीर की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, बोन्स वगैरह, स्केलेटन वगैरह वो सब होता है, तो जो बोन्स वगैरह पूरा स्केलेटन हमने घर पे रूम भी रखा हुआ था स्टडी के लिए। सर अभी बातें हम आपसे और भी रखेंगे जारी, लेकिन आपके मित्र सुरेंद्र जी का फिर से फोन आया है, पहले उनसे बात करते हैं फिर आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सुरेंद्र जी, आपका फिर से स्वागत है धरती धोरारी में, और आज आपके मित्र बैठे हैं हमारे सामने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जी, हमारे बचपन में हम एक ही स्कूल में गांव में पढ़ते थे, एक छोटे से गांव में, एक साथ एक क्लास से लेकर फाइव क्लास साथ ही पढ़ते थे जी, और उसी समय ये राम बहुत मेहनती और नंबर विचारों का था, शांत विचारों का था, हमेशा लगन रखने वाला था नरसिंह जी। जी, और कहना चाहते हैं अपने दोस्त को, जैसा इन्होंने बोला डॉक्टर हरिराम साहब ने कि वो बहुत शर्मीले किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे बचपन से, तो आपकी ऐसी कुछ यादें जुड़ी हैं इनके शर्मीलेपन को लेकर? नहीं, बचपन में तो मैं एक ही साथ में थे, एक क्लास से फाइव क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते थे ना जी, उसके जी बाद ग्यारहवीं और बारहवीं में फिर एक स्कूल में दोबारा वापिस एक साथ में पढ़े थे ना। ओके ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगन और मेहनती इसी हिसाब से, मैं हमेशा मेहनती और लगनशील आदमी था हमेशा, हरिराम हमेशा उनमें भी था ना सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सुरेंद्र जो मेरा दोस्त है, हम साथ में पढ़ते थे फर्स्ट क्लास से ही, तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब कि मेहनत करना सीखा है, इसी ने सीखा है शुरू में तो, और ऑनेस्ट ईमानदार रहना, अपने काम के प्रति लगन करना, बड़ों का कहना मानना, तो इनका बहुत रोल रहा है लाइफ में जी, इसको डेवलप करने में, मेरे पर्सनालिटी डेवलप करने में जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ फोन किया, अपने मित्र के बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। सर, मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर माहौल क्या रहा होगा और किस तरह आपने इस चीज़ को फेस किया जब स्पेशलाइजेशन का वक्त आया, क्योंकि जब एक नॉर्मल दो तीन साल की जो पढ़ाई होती है उसमें हमें पूरे बॉडी के पार्ट्स का बताते हैं, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन हमें कुछ करना होता है तो उसमें आपने कार्डियोलॉजी को चुना, दिल के बारे में आपने चुना कि मुझे दिल की बीमारियों का इलाज करना है, इस चीज को ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्रिटिकल होता है, वेन्स बहुत सारी होती हैं, इलाज करना भी मुश्किल होता है, तो कार्डियोलॉजी को ही क्यों चुना? जैसे कि MBBS जब करते हैं ये 5 ईयर की होती है, उसके बाद एक साल इंटर्नशिप का होता है, और MBBS के दौरान ये हमें इसकी दिल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम, तो कुछ तो मुझे उस समय इंटरेस्टिंग लगता था इसकी हार्ट के बारे में पढ़ना, और उस समय से ही था एक कि भाई हार्ट का स्पेशलाइजेशन, उस समय इतना ज़्यादा प्रचलन था नहीं DM का आगे सुपर स्पेशलाइजेशन, बट ठीक है, एक ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। उसके बाद जैसे ही MBBS ख़त्म हुई, MD मैंने यही SMS मेडिकल कॉलेज से करी, MD करने के बाद या करने के साथ साथ जैसे हम मरीज को ट्रीट करते थे, तो हम जैसे एज ए फिजिशियन ट्रीट करते थे पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि नॉन इंटरवेंशन के हिसाब से कि मेडिसिन से पेशेंट को इलाज करते थे, लेकिन साथ साथ में ये ब्रांच जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डेवलप हो रही थी उस समय, तो ये बहुत अच्छा लगता था कि एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट तुरंत मरीज के हार्ट अटैक का पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी में, उसको तुरंत मतलब भर्ती करके वो पता लगा लेते थे एग्जैक्टली कि ये कारण है बीमारी का जी, और उसको तुरंत वो इंटरवेंशन के द्वारा ठीक कर देते थे, उसके बाद मरीज एकदम खुश, परिवार वाले एकदम खुश, मरीज की जान बच जाती है, तो वो जो फीलिंग थी वही मुझे इस मतलब कार्डियोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ ले गई। तो MD के बाद मैंने तैयारी करी थी 2 साल, तो वो DM में जाना, सेलेक्ट होना, क्योंकि सीटें बहुत कम होती है कार्डियोलॉजी की, तो वो स्ट्रगल वाला पीरियड रहा 2 साल हमारा।
कि उस समय जैसे अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम हम दिया करते थे, कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कभी चार पांच स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया था जी। तो वो काफ़ी स्ट्रगल रहा क्योंकि कई बार सिलेक्शन होता नहीं था क्योंकि सीटें बहुत कम होती थी। राइट। आप कई बार मार्जिन पर रह जाते हो तो फिर थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता था। कई बार ये विचार भी त्याग दिया था कि डीएम नहीं करनी, अब एज ए एमडी मेडिसिन ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर एक सपोर्ट वाइफ का भी रहा, तब एमडी की ख़त्म होने के बाद शादी हो गई थी, वो एमबीबीएस थी, वो अपनी एमपीजी की तैयारी कर रही थी एमडी की, और मैं डीएम की, तो दोनों का सपोर्ट रहा। और उस सपोर्ट के बाद उसके बाद ऊपर वाले की कृपा रही कि मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से आगे मैंने डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करी। क्या बात है। तो आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं बतौर प्रोफेशन, तो दिल के डॉक्टर, दिल का मामला कैसे हुई पहली मुलाकात, बात कैसे आगे बढ़ी उनके साथ? वैसे तो वो सेम कॉलेज से थी जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया था, उसी कॉलेज से वो हैं, मेरे से 5 साल जूनियर है। अच्छा। तो हम जब पीजी की तैयारी कर रहे थे तब ये लोग एंटर हुए थे, तो इतना इंटरेक्शन तो था नहीं, तो हमारी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज है, घर वालों की तरफ से पहल होके हुई थी। अच्छा। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे शादी के पहले? जानते नहीं थे, बस जस्ट कई बार जैसे कॉलेज में नए स्टूडेंट आते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, बस इतना ही जानते थे। तो ये कोइंसिडेंस है, ये मतलब अरेंज घर वालों के एफर्ट हैं। और उसके बाद हमारी शादी दो मतलब मेरी एमडी कंप्लीट हुई थी जैसे 2010 में हमारी मैरिज हो गई थी, उसके बाद वो भी यहाँ जयपुर मेरे साथ शिफ्ट हो गई थी जी। तो सर दिल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि दिल जो हमारे शरीर का जो पार्ट होता है वो सबसे अहम अंग होता है, दिल और दिमाग, पूरा जो हमारे शरीर का प्रोसेस होता है वो इन्हीं दो अंगों से ज़्यादा चलता है, ब्लड सर्कुलेशन इसी से होता है। तो अब दिल को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये हम एक डॉक्टर से जानना चाहेंगे। वैसे जैसे देखा जाए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो वाला दिल के मामले में बहुत फिट बैठता है, और आजकल इसी पर हम जोर देते हैं। पहले तो क्या होता था कि इसके कारण कुछ ज़्यादा पता नहीं होते थे, अटैक आ जाता था और ठीक है, एक्सपायर भी मरीज हो जाते थे। आजकल इनके कारणों का पता लग चुका है 90-95% केसेज में, तो जो कारण होते हैं वो अपन जैसे बोलें तो शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना शरीर में, अत्यधिक स्ट्रेस, तनाव लेना, धूम्रपान करना, मोटापा, या फिर शारीरिक श्रम की कमी, मेहनत कम करना, तो ये सब हार्ट अटैक के कारण होते हैं। तो अगर अपन अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें शुरू से ही, यानी कि जो अपनी लाइफ होती है, मैं कह रहा हूँ कि 15-16 साल के बाद से ही इस पर एक्टिवली ध्यान रखना चाहिए, तभी ये जो फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक करते हैं उन पे अपन कंट्रोल पा सकेंगे। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, तो एटलीस्ट 30-45 मिनट तक रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं वो करनी चाहिए सप्ताह में एटलीस्ट 5 दिन। तो फिर खाने फूड हैबिट्स हैं वो हमारी नियमित होनी चाहिए, फूड को लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए और क्वालिटी का फूड लेना चाहिए, जैसे कि जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो, डाइटरी फाइबर्स वगैरह जाता हूँ। सिंपल भाषा में कहें तो अत्यधिक मीठी चीज़ें ना हो खाने में, चिकनाई वाली चीज़ें कम हो, खाना ऐसा हो कि हमारा वज़न नहीं बढ़े, हमारा वज़न नहीं बढ़ाए, खाने में फल फ्रूट और सलाद की मात्रा, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो, वो अपना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखता है, अपना वेट भी कंट्रोल रखता है, और शुगर की, ब्लड प्रेशर की जो जांच है वो नियमित रूप से करवाते रहें, क्योंकि कई बार ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो साइलेंटली रहती है अपने बॉडी में, बीपी ज़्यादा रहेगा अपन को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली यही सवाल आ रहा था मेरे जहन में कि जैसे कई तरह की कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ, एरिथमिया भी हो जाता है कई बार, बच्चों में भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ये सारी मिलजुल करके आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एंड डेडली भी होती हैं, फेटल भी होती हैं मेनी अ टाइम्स। तो आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इन प्रॉब्लम्स के कुछ अर्ली साइन एंड सिम्टम्स भी होते होंगे, सो दैट हमें एक वार्निंग मिल सके कि भाई अब जो है आपको संभल जाना चाहिए, बहुत हो गया खाना पीना। उसी पर आ रहा मैडम कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ऐसी चीज़ है कि बहुत से टाइम वो साइलेंट रहती है, ज़रूरी नहीं है कि उनके लक्षण आप शरीर पर दिखें, इसीलिए इनको रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए। पहले अपन बोलते थे किस कि एज के बाद रेगुलर, आजकल तो लगभग 30s के बाद करवा लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बहुत ही सामान्य टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है, ये करवा लेना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर नॉर्मल है तो साल में एक बार रिपीट करवा लो, सब जगह अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि बहुत ही
कम खर्च के टेस्ट हैं और अपन को बहुत बड़ी बीमारी के बारे में बता देते हैं। बिल्कुल जी। अगर किसी को डायबिटीज निकल आई तो शुरुआत से ही अपने इसको कंट्रोल रखें तो ये कुछ भी नहीं है, इंसान एकदम नॉर्मल पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकल आया तो फिर ये कुछ नहीं है, इसको आप बिना दवाई के भी कंट्रोल रखने की तरीके होते हैं, जैसे लाइफस्टाइल को चेंज करके, नमक की मात्रा कम करके, स्ट्रेस कम करके, अल्कोहल वगैरह धूम्रपान कर दें तो वो बंद करके, अपना वेट कंट्रोल करके जी। इनसे कंट्रोल नहीं आता तो कुछ मेडिसिन की हेल्प लेके अपन इनको पूरी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं ताकि आगे शरीर पर ये दुष्प्रभाव नहीं डालें। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है प्रिवेंशन के लिए। और आज जिसकी फैमिली की हिस्ट्री है, कई बार हार्ट अटैक अपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में कई लोगों को आ गया, मदर को भी है, फादर को, मदर फादर को भी है, भाइयों में भी ऊपर दो तीन ब्रदर्स को हो चुका है, तो फिर वो अपनी स्क्रीनिंग जो टेस्ट है बीपी और शुगर के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो अपन को कम एज में ही कर लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि 21 काफी अर्ली एजेस में भी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है उनके लिए, कि जब 20-21 साल की एज आ गई जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनको इस एज पे ही आके कोलेस्ट्रॉल की जांच, ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए ताकि अपन को पता लगे। क्योंकि इन बहुत सारी जो फैमिलियल केसेज हैं उनमें हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलता है, कईयों के शुगर भी फैमिलियल हो सकती है, तो वो अर्ली एज पे ही अपन इंटरवेंशन करेंगे तभी जाके इस पर काबू पा सकेंगे। और लाइफ स्टाइल में जैसे अपन ने बोला कि एक तो खान पीन हो गया और एक ये हो गई फिजिकल एक्सरसाइज, उसके अलावा तीसरी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी आजकल बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट बीपी की, शुगर की, हार्ट अटैक की या पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स कम एज में भी आने लगी है। उसका मेन कारण जो हम देखते हैं या वो मानते हैं वो है मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल है इसका। क्योंकि आजकल की तनाव भरी लाइफ है सबकी, भाग दौड़, वर्क प्रेशर, वर्क का प्रेशर और मार्केटिंग का प्रेशर जो भी है, मतलब तो लाइफ स्टाइल ऐसी भाग दौड़ वाली होगी, तो इसमें अपने मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप अपने, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, जैसे हम जो सजेस्ट करते हैं तो वो ये है कि कई बार आप कोई ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं मोटिवेशनल, एक टाइम निकाल के, जैसे सुबह का टाइम इसके लिए बेटर माना जाता है, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठना, फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना 30 मिनट या जो भी आप जितना टाइम दे पाएं, उसके बाद आप आधा घंटे का टाइम अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें आप अपने लिए सोचें जो लास्ट डे या अपने क्या किया है, उसको आराम से शांति से एकांत में बैठ के सोचना चाहिए, जिसको अपन ध्यान बोल सकते हैं, मेडिटेशन बोल सकते हैं, उसको उससे अपन अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, मतलब अपने सोचने का टाइम मिल जाता है कि अपन जो कर रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत अत्यधिक अपन को तनाव में डाल रहा है। सही बात कही सर आपने कि अगर आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना है, तो पहले मन को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। आपने बताया था कि आप जिस मुकाम पर आज हैं उसमें बहुत से सहयोगी आपके रहे, मित्र भी आपके रहे जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया, उन्हीं सहयोगियों में से एक सहयोगी का आपके लिए एक वीडियो मैसेज है, पहले हम वो देखते हैं फिर बहुत सारी बातें और भी करेंगे, आइए। मैं डॉक्टर हरिराम जी का बचपन का दोस्त हूँ, 15 साल की हमारी दोस्ती है, और डॉक्टर हरिराम जी की तरह मैं भी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने अपना हॉस्पिटल छोड़ के उनके साथ टीम बनाई है, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है कि वो दूसरों को हमेशा एक आकर्षित करते हैं, और ख़ास बात यह है कि हमेशा वो दूसरों को देने की भावना रखते हैं, लेने की भावना कभी नहीं रखते, और पहले खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इस व्यवहार की वजह से मैंने उनके साथ जुड़ा, और अब हम बहुत जल्दी से तेज़ी से आगे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, और खास बात यह है कि हमेशा उनके देने के भाव की वजह से अब मेरा भी व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, मैं भी अब मरीजों के बारे में दिन रात सोचता हूँ कि किस तरीके से कितना भला कर पाएँ, तो उनकी संगति की वजह से आज हमारी पूरी टीम को और मेरे को और जो भी मिलता है सबको काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि देने की भावना, तो उसमें एक मैं ये कहना चाहूँ कि मेरा नेचर हमेशा ये रहा है कि मैं किसी दूसरे की मदद कर पाऊँ किसी न किसी रूप में, बिना कोई अपने स्वार्थ के। कई बार जैसे हम गांव के रहने वाले हैं तो गांव के लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, और गांव में आज भी जो मॉनिटरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि शहरों में है, तो और शहर में आके इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ जाता है कई बार, तो वो एक उम्मीद के साथ आते हैं हमारे पास,
तो वो हम कोशिश करते हैं कि मतलब उसका मिनिमम पैसा खर्च हो और एक अच्छी फैसिलिटी हम दे पाए। क्या बात है, यानी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आपके एक पेशेंट हैं जो आपको बहुत लख लख दुआएं दे के गए हैं, उन्हीं का एक मैसेज है, आइए सुनते हैं। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर हरिराम जी महरिया, उनके अथक प्रयासों से मुझे जीवन दान मिला है, 3 साल से मैं उनके संपर्क में हूँ और ये दवाई से ज़्यादा अपने कुशल व्यवहार के कारण पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनका व्यवहार बहुत कुशल और मिलनसार है, ये अथक प्रयासों से अपने रोगी को ठीक करते हैं और कम पैसे की दवाई देते हैं। तो सर ये एक पेशेंट थे आपके जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा स्वभाव है और बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरे को भी एक नया जीवन मिला है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर पाते। कभी ऐसा आपके जीवन में भी कुछ ऐसा रहा, क्षण रहा, क्योंकि मेहनत हम पूरी करते हैं, किसी को जीवन देना बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या कभी कुछ ऐसा भी रहा कि कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, पूरी मेहनत करी लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए? देखो मैडम, हार्ट अटैक है वो वैसे काफ़ी सीरियस डिजीज़ है जी। हार्ट अटैक के अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो पहले 1 मिनट में, सबसे ज़्यादा पहले 1 घंटे में या पहले 24 घंटे में, इस तरह से अपन मानते हैं कि पेशेंट, कई बार चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक आया, कई बार तुरंत हार्ट बंद हो जाता है, मरीज़ को भी ये कहने का भी मौका नहीं मिलता कई बार कि अब मुझे चेस्ट पेन है, कुछ दर्द है, कहीं ले जाओ। कई बार रास्ते में भी हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक वैसे सीरियस ही मानी जाती है जी। तो मरीज़ जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसमें हम तो करते ही हैं पूरा टाइमली, अगर खोल देते हैं तो लाइफ बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है जी। कई बार ये जो हार्ट की पंपिंग बंद होने की कहीं भी हो सकती है, जैसे रास्ते में हो सकती है, कई बार मरीज़ हॉस्पिटल में पहुंचने वाला है या इमरजेंसी में पहुँचा है तो भी हो सकती है। जैसे इन्हीं पेशेंट की बात करें कि इनका हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही हार्ट की पंपिंग बंद हो गई, तुरंत मरीज़ के अटेंडेंट हॉस्पिटल में लेके आए, हॉस्पिटल में हमने उसको CPR किया। तो ये CPR बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उसको भी आना चाहिए, कॉमन मैन को भी आना चाहिए कि कैसे अगर किसी मरीज अचानक बेहोश हो जाए हार्ट चेस्ट पेन करके तो कैसे उसको रिवाइव करें। तो CPR इमरजेंसी में किया, उस CPR कम से कम हमने आधा घंटा किया, उसके बाद हमें हार्ट के अंदर थोड़ा सा करंट पता लगा कि है, तो मरीज की रिस्क समझा के उसको हमने टेबल पर लिया और उसकी नाड़ी खोल दी, ऊपर वाले का भी साथ रहा कि वो मरीज यानी CPR जो है वो हर किसी को सीखना जरूरी है। सर समय एक्चुअली बहुत इजाजत दे नहीं रहा है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, कई तरह के स्वास्थ्य कैंप्स भी लगाते रहे और दूर दराज के गाँव में भी लगाते रहे, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं रेगुलर महीने में एक बार कैंप लगाता हूँ अपने एरिया में, गाँव में, तो वहाँ पे कैंप का प्रमुख मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल, क्योंकि इलाज तो कहीं भी कर किया जा सकता है, जागरूकता इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांव में अभी इतनी जागरूकता नहीं है, सोशल मीडिया भी इतना है नहीं, तो हम उनको अवेयर करते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। जैसे गाँव में एक मेन कारण है धूम्रपान, धूम्रपान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, इतनी अवेयर नहीं है, तो वो हम बताते हैं कि कैसे आप धूम्रपान को छोड़ो, कितने इसके बेनिफिट हैं, और दूसरा दूसरे भी जो व्यसन है जैसे शराब है उसके भी हम उसके दुष्प्रभाव बताते हैं। फिर हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो इसके क्या लक्षण होते हैं वो हम बताते हैं उनको बार बार जब भी जाते हैं, तो और लक्षण हो दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे गांव में तुरंत आजकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वो नज़दीक के छोटे से शहर है जहाँ पे मिनिमम फैसिलिटी मिल जाए वो करवा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमें एक तो हमको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा और कुछ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। सर आप धरती धोरारी के इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी आपने हमको जानकारी दी और यकीनन दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो स्वस्थ रहने के लिए पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपनी मानसिकता को सुधारें। सर आप इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से भी इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन धरती धोरारी के फिर किसी ऐसे ही खूबसूरत अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और देखते रहिए DD राजस्थान, दीजिए आज्ञा अनामिका को भी। नमस्कार, नमस्कार।